में वे लोग कार्य करने के लिए उनके पास एक अनुभव सर्टिफिकेट होगा, एक निश्चित समय के लिए अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम होता है। राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस दिशा में, डबल इंजन की सरकार इस दिशा में अपना प्रयास कर रही है, और इन प्रयासों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं आगे जाने की आवश्यकता नहीं। या जैसे ITI में ही वेल्डिंग का आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, हम उस प्रकार के ट्रेड ITI में विकसित करें, उनकी ट्रेनिंग का सेंटर हम उनको देंगे, बहुत सारी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस का आपस का जो जुड़ाव होगा वह उत्तर प्रदेश को स्केल के साथ साथ स्किल मैन पावर का सबसे बड़ा केंद्र बनाने में अपना योगदान देगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मुझे ये दूसरे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो पहले के MOU को आज जमीनी धरातल पर हम उतार रहे हैं। और आज यहाँ पर जो बताया गया, इतने बड़े प्लांट, आधुनिक तकनीक पर आधारित प्लांट आज यहाँ पर गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए अंकुर उद्योग को, श्री अशोक जालान जी को, उनकी पूरी टीम को, एक बार फिर से उनके पूरे परिवार के सदस्यों को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि होली के तत्काल इतना अच्छा प्लांट यहां पर उपलब्ध हो गया है, और यहां पर अब लोहे का उत्पादन होगा। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद हम सरकार की पॉलिसीज में भी तमाम व्यापक परिवर्तन करेंगे। दो प्रकार की, एक अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उसका उपयोग होना चाहिए, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। दूसरा, जो चोरी की स्टील बाहर से आ रही है उस पर सरकार पूरी तरह बैन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाएंगे, कहीं भी GST की चोरी न हो, इस पर हमारा पूरा ध्यान है और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और इस पावर प्लांट को उपलब्ध कराने के लिए आपको, आपके पूरे परिवार को, अंकुर उद्योग को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी महानुभावों को भी इस अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि एक सकारात्मक सोच विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा। सिरसा वहां से निकल चुका था,